बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए लिख सकते हैं कि अगर हम देखें कि ये किस बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो हम ये जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो किस बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर t। कैपिटल t लिखा है टाइम पीरियड के लिए, तो जब हमने फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालनी है तो राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन निकालेंगे, यानी टाइम पीरियड की डायमेंशन, और ये बटे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर इन्वर्स होगी, ये बनेगा टी इन्वर्स। सो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमने निकाल ली जो कि टी इन्वर्स के इक्वल है।